हेलो दोस्तों, माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। हम बात करने वाले हैं वजीर एक्स का जो एक फीचर है एसटीएफ स्मार्ट टोकन फंड, उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, जैसे है उसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार हम इन सभी में यहाँ पर बाय करके अपना जो कमीशन है वो ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो कर सकते हैं। बट उससे पहले डैम श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, हिट द बेल आइकन ताकि फ्यूचर में आने वाली क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी न्यूज जो कभी भी मिस नहीं कर पाए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने जैसे हमारा इंटरफेस आएगा तो ऊपर वाले सेक्शन पर आ जाता है, सबसे जो लास्ट फीचर है हमारा यहाँ पर है हमारा एसटीएफ स्मार्ट टोकन फंड। अब स्मार्ट टोकन फंड के बारे में ऐसी वीडियोस तो आपने बहुत देख ली होगी कि यह एक काम करता है म्यूचुअल फंड की तरह वगैरह 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 वगैरह। सीधी सी बात करते हैं इसकी फीसेज क्या लगती है। 25% इसकी फीस लगती है सबसे पहले, उसके बाद में चाहे जब आप एंट्री ले सकते हैं चाहे जब एग्जिट वगैरह कर सकते हैं। अभी अगर सभी का देखा जाए तो लगभग सभी लॉस में है, और उसके बाद जो नीचे देखा है जो तीन है हमारे सामने ये हमें ना प्रॉफिट ना लॉस में आ रहे, मतलब 0% में है। अब चलते हैं हमारे जो भी है एनालिसिस कैसे किया जाता है स्मार्ट टोकन फंड में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने है एक्स मिंटे यूएस डॉलर जैसे है हमारे सामने कि हमें इसको चूज करना है। तो इसको चूज करने के लिए हमें सिंपल सा इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में इसकी पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी कि यह क्या काम करता है, किस प्रकार ट्रेडिंग वगैरह करता है। ऐसा हमारे इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इसकी प्राइस चल रही है $318, वी यूज मशीनरी लर्निंग वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद नीचे लिखा है कि देख सकते हैं इनके पास कितना एक्सपीरियंस वगैरह है, 362 दिनों से यहाँ पर काम कर रहे हैं। इनिशियल प्राइस मतलब $100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और सेल इंटरवेल है इनका 24 घंटे में सेल भी वगैरह कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेलिंग इनकी होगी लगभग 1 PM के आसपास। इसके बाद थोड़ा नीचे चल लेते हैं जहाँ पर इनके ग्राफ पर बात कर ली जाए, तो ग्राफ हम अगर यहाँ पर इनका देखें तो ओवरऑल अगर ग्राफ देखा जाए तो लॉस में ये यहाँ पर बहुत बड़ा डंप है बिकॉज ऑफ द बिटकॉइन, तो इनकी कमी भी नहीं निकाल सकते। लेकिन बिटकॉइन के बाद में वापस इनके सामने वापस अच्छा पंप है, लेकिन वापस अभी देखा जाए तो हमारे सामने डंप देखने को मिल रहा है। यह कोई भी टोकन का यहाँ पर हमारे सामने नहीं है, ये जो पर्सन है मिंट नाम का जो पर्सन है उसका यहाँ पर चार्ट है कि किस प्रकार इन्होंने प्रॉफिट दिया है, किस प्रकार इन्होंने सेलिंग किया है। इसके बाद में थोड़ा नीचे आ जाते हैं जहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर की है, कि इतना इनका अलोकेशन होता है, मतलब कहाँ कहाँ पर यह फंड वगैरह हमारा यूज करते हैं। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि हमारे सामने इन्होंने COTI, COTI, EOS, WRX, Dash, TRX, XXP, Band, XLM, US डॉलर में यहाँ पर इन्होंने ट्रेड वगैरह किए हैं, और इस प्रकार हमारा यह अलोकेशन करते हैं कि मतलब इतने इतने परसेंटेज में हमें इसको डिवाइड करके रखते हैं। अब हाथ यहाँ पर बनती है कि हमें इसको कैसे बाय वगैरह करना है, तो यहाँ पर जो नीचे है WRX का इस पर हमें क्लिक करना है बाय एंड सेल में। इसके बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर इनकी 8 प्राइस है इनकी चल रही है, और वॉल्यूम इनका मिंट वगैरह देख सकते हैं हमें कितना लेना है। तो हम यहाँ पर $100 से स्टार्ट करना चाहते हैं, $100 से मिनिमम यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, तो हमें लगभग इनका 0.31x मिंट मिलेगा। यहाँ पर आप चाहें उतना यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे को $100 की जगह $10 करना है तो $10 में यह क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल प्राइस इनकी बताएगी कि तो मिनिमम हमें $100 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर हमें मात्र यहाँ पर $100 यहाँ पर कर देना, उसके बाद में यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, और उसके बाद में जैसा ही हमें प्रॉफिट वगैरह दिखे तो हम यहाँ पर सेलिंग वापस पूरी यहाँ पर हमारे सामने कर सकते हैं कि हमें इतना इतना वॉल्यूम यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 25% हमारी फीसेज लगेगी। अब देखना है कि हमें इसमें से चूज कौन सा करना है, कि कौन सा हमारे लिए बढ़िया रहेगा या कौन सा हमारे लिए सही रहेगा या सही नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको देखना है, जैसे मान लीजिए मैंने रैंडमली किसी पर भी क्लिक कर लिया, अब यहाँ पर को यहाँ पर इनका रिटर्न वगैरह देखना है कि कौन किसने कितना रिटर्न वगैरह दिया है, कौन कहाँ से काम कर रहा है। लगभग इसका देखा जाए तो बिटकॉइन के डंप के बाद में पूरा ऐसे डंप है, उसके बाद में हमें लगभग साइडवेज ग्राफ देखने को मिल रहा है, मतलब इनकी कोई ज़्यादा यहाँ पर विशेषता नहीं है। इतना तो हम भी नॉर्मल से कर सकते हैं। इनिशियल प्राइस है इनका भी लगभग $1 के आसपास इनिशियल प्राइस है, मतलब बहुत कम है लगभग इनका भी। इसके बाद नीचे देख लेते हैं कि इनका एलोकेशन कौन सा है, WRX और USDT में है। तो सिंपल सी बात है, कोई नौसिखियों को भी पता होगा WRX में अगर हम करेंगे तो डेली के आसानी से 2-3 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और US डॉलर तो इतना ज़्यादा मतलब हमारे सामने वो स्टेबल है कि इससे हम मार्जिन ही अच्छा नहीं निकाल सकते। सिंपल सी बात है, मतलब ये अपने फंड को नॉर्मल मतलब जितना हमें दिया उतना ही रखेंगे US डॉलर की वजह से, और प्रॉफिट देंगे वो केवल WRX की वजह से। तो यहाँ पर वो बढ़िया वाली बात मेरे को देखने को मिल नहीं रही है। स्मार्ट टोकन अगर फंड आपको सीखना है तो नॉर्मल से आप कुछ दिन पहले मतलब 10-15 दिन यहाँ पर इन पर नज़र रख सकते हैं कि किस प्रकार इनके ग्राफ वगैरह चल रहे हैं। बल्कि अगर मैं बताना चाहूँ तो इनकी जगह आप खुद ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। उनके लिए सबसे पहला आपके सामने होगा ट्रेडिंग व्यू के ग्राफ सीखना। अगर ग्राफ आपको सीखना है ट्रेडिंग व्यू पर तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने एक इंडिकेटर बता दिया है और एक इंडिकेटर आज और आने वाला है उसके बारे में सीख सकते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग व्यू पर हम सीख सकते हैं ग्राफ वगैरह इंडिकेटर वगैरह सीख सकते हैं। दूसरा हमारे सामने हो गया इंडिकेटर वगैरह हम सीख सकते हैं, और तीसरा हो गया एनालिसिस करना कि मतलब यहाँ पर हाई कितना जा रहा है और लो कितना जा रहा है। हाई जैसे मान लीजिए आज हमारा लगभग गया है 19 और लो हमारा गया है हमारे सामने आज 17 गया है,
तो 17 और 19 के बीच में ऐसा कौन सा प्राइस सेक्शन सेट करके रख दें कि हमारा प्रॉफिट और लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम, मतलब लॉस होने की संभावनाएं बहुत कम और प्रॉफिट होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाए। इस प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और स्मार्ट टोकन फंड बस इतना ही है कि कोई पर भी जाके क्लिक करना है, बाय वगैरह कर देना है और वेट करना है बस। ये तो मतलब वही बात होगी स्मार्ट टोकन फंड, मतलब स्मार्ट टोकन क्या हुआ, ये तो एक सट्टेबाज जैसी बात हो गई, बस हाँ ठीक है लगाकर छोड़ दिए। अगर इसका ग्राफ देखें तो इसमें बहुत ज्यादा डंप है, मतलब लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट होने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पर ये रिस्की ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क वाली है और मेरे को रिस्की वाली ट्रेडिंग ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो ग्राफ है लगभग आया हुआ है और अगर इस हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो इनके लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर जो लॉस आया उसके बाद में प्रॉफिट, उसके बाद में वापस लॉस, प्रॉफिट, अब लॉस, मेरे हिसाब से अब प्रॉफिट हो सकता है। तो इस प्रकार आपको चूज करना है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन किन में आपके यहाँ पर टोकन यह शेयर वगैरह करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से यह जो टोकन बताते हैं ये एकदम एक्यूरेट नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए बिटकॉइन डंप हो गया, बिटकॉइन मान लीजिए बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ है, सॉरी डंप नहीं, बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा, सिंपल सी बात है। फिर भी यहाँ पर इतना ही बताएगा कि बिटकॉइन 55% यहाँ पर इन्होंने एलोकेट किया है। अब ये डाटा कोई भी बताए हमारे सामने पूरी कहानी पर ही पता होती ही नहीं है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं दूसरे फीचर जैसे कॉपी ट्रेडिंग वगैरह के, उनके लिए एप्लीकेशन बहुत आते हैं स्मार्ट टोकन फंड के जरिए। तो ये थी हमारी स्मार्ट टोकन फंड पर पूरी वीडियो, आप चाहें तो इसको मतलब कर सकते हैं, अप्लाई वगैरह कर सकते हैं एट योर ऑन रिस्क, बट मैं कभी स्मार्ट टोकन फंड का यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डिप आए तो मेरा सारा तो मैंने पैसा स्मार्ट टोकन फंड को दे दिया, अब वो बाय करे या नहीं करे मुझे क्या पता, इसलिए मैं हमेशा सारा पैसा होगा खुद ही यहाँ पर इन्वेस्ट वगैरह करने की सोचता हूँ। कुछ दिन ही लगते हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग का हवा बना के रखा है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। दो चार ग्राफ हमें देखने को मिले, इंडिकेटर देखिए, सिंपल सी बात है, इंट्राडे मार्जिन निकाल के 15 मिनट में 500 रुपए का आसानी से प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। लालच करेंगे तो हमेशा फंसेंगे, 101% लालच करेंगे तो हमेशा फंसने की आशंका होगी। जितना कम मार्जिन, जितना कम रिस्क, उतना अच्छा प्रॉफिट हमारे सामने देखने को मिलेगा। तो ये होती है हमारी वीडियो अबाउट द स्मार्ट टोकन फंड, आप चाहें जैसे इसको यूज कर सकते हैं। कई प्रकार के हमारे सामने इस प्रकार व्यक्ति आ जाता है कि यह अच्छा फंड निकाल कर देंगे और सबसे अगर देखा जाए तो सभी अब खुद ही लॉस में दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर एक्सपर्ट किस तरह से हुए। अगर इनसे अच्छा तो मेरा फंड चल रहा है, अभी इतना सबका लॉस चल रहा है फिर भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, इनसे अच्छा तो मेरा पोर्टफोलियो है, मतलब अब कह सकते हैं सिंपल सी बात है। खुद अगर ट्रेडिंग करेंगे तो सब कुछ चीज़ हमारे हाथ में रहती है, बट मैंने जो फीचर था इनका वो बता दिया है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। जय हिंद, जय भारत।